नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा है कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। यह कार्रवाई शुक्रवार की आधी रात के बाद की गई। पुलिस ने उनकी पार्टी के कई नेताओं को भी अवैध रूप से हिरासत में लिया है, नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरे होने पर एक सेमिनार करना चाहती थी। प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी बल्कि हाउस अरेस्ट कर दिया। उधर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे दावे कर रही है कि यहाँ सब नॉर्मल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उड़ीसा दौरे का आज दूसरा दिन था। शाह ने सुबह 11 बजे भुवनेश्वर की लोक सेवा भवन में NHAI की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने नेशनल हाईवे 200 पर कामाख्या नगर और डुबुरी को जोड़ने वाली 51 किलोमीटर लंबी 4 लेन का उद्घाटन किया। इसे 461 करोड़ की लागत में बनाया गया है, जो अंगुल और ढेंगनाल जिलों को राज्य और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगा। INDIA नाम से बने नए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर के बीच मुंबई में होगी। इस मीटिंग की मेजबानी उद्धव गुट की शिवसेना और शरद गुट की NCP मिलकर कर सकते हैं। नया गठबंधन बनने के बाद यह पहला मौका है जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ बच्चे खुद की जान ले रहे हैं, कुछ बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं। ये घटनाएं तभी रुक सकती है जब माँ बाप का दिल बड़ा हो। आप मान लीजिए अगर किसी का लव अफेयर है, माँ बाप को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें शादी करने की छूट देनी चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि BJP के लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ की मणिपुर से तुलना करते हैं, यह ओछी राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में जवान मर रहे हैं, देश में हंगामा क्यों नहीं हो रहा। 4 अगस्त को आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, लेकिन सब चुप है क्योंकि वहां BJP का शासन है। साल 2021 से 2023 तक जम्मू कश्मीर में 251 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 100 घटनाएं अकेले घटी में। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। खालिस्तानी आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत पंत सिंह मन्नू ने अब कश्मीरी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर दी है। पन्नू की कोशिश 15 अगस्त को देश में माहौल खराब करने की है। वीडियो जारी कर पन्नू ने कश्मीरी मुसलमानों को दिल्ली आने के लिए कहा है। वह लोगों को उकसा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त के दिन दिल्ली लाल किले पर तिरंगा न चढ़ाने दिया जाए। पन्नू का कहना है कि खालिस्तानी समर्थक इसकी तैयारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। ये सभी स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हैं। स्टेशनों की रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट का खर्च 24,470 करोड़ बताया जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ केस जीत लिया है। रिपोर्ट्स के माने तो अब मोदी को सेटलमेंट के तौर पर शैलेश को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 1,05,84,000 रुपए का अमाउंट देना होगा। इस फैसले के आने के बाद लोढ़ा ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि यह लड़ाई कभी पैसों की थी ही नहीं, यह इंसाफ और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी। मुझे लग रहा है कि मैंने युद्ध जीत लिया है और मैं खुश हूं कि सच सामने आ गया। मैं किसी की झुकाने पर भी नहीं झुका। ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वे शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम करीब 5 बजे तक चला। पहले सुबह करीब 4 घंटे सर्वे चला, फिर 2 घंटे के लिए रोक दिया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे दोबारा सर्वे शुरू हुआ। ASI टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के एक एक वकील तहखाने में उतरे हैं। ASI की 61 मेंबर्स की टीम सर्वे कर रही है। वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होना है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच एमपी टॉप 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।